चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल जो है हम लोग पिछले क्लास में लास्ट में क्या देख रहे थे, ऑक्जी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो ऑक्जी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में आते हैं हम लोग यहाँ पर, जहाँ देख रहे थे हम लोग सब कुछ, स्क्रीन शेयर करते हैं हम। हाँ, ऑक्जी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको, तो नज़र आएगा यहाँ पे सबका हम क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे जो जो अपने को देखना है फिलहाल। ठीक है, और साथ ही साथ उसका हम क्या बताए थे आपको, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला उसका क्या होगा, बेसिसिटी उसका क्या होगा, क्या बेसिसिटी कह रहा है वो भी हम आपको बताएंगे अभी। ठीक, फॉर्मूला क्या होगा उसका, ठीक है, ऑक्साइड का, ऑक्सी एसिड्स का नाम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, बेसिसिटी उसका क्या होता है, बेसिसिटी क्या कहलाएगा वो भी बताएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा ये भी जानना है अपने को। ठीक है, तो ये पिछले क्लास में सब कुछ खत्म कर चुके थे हम। अब इस क्लास में थोड़ा सा जो है आपको ये यदि हम देखें और थोड़ा सा, तो क्या अपने को नजर आता, हम यहाँ पे देखिए आपके लिए पहले से पेस्ट करके रखे हुए यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किसके स्ट्रक्चर्स भाई, जो ऑक्सी एसिड्स के अपने को स्ट्रक्चर्स देखने। ठीक है, तो सबसे पहला वाला हम लोग कौन देख रहे हैं, H3PO2। कौन सा है ये, H3PO2। ठीक है, तो H3PO2 में क्या देख रहे हैं कि ये फॉस्फोरस, ठीक है, डबली बॉन्डेड इसके साथ है ऑक्सीजन के साथ, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन इसके साथ है, हाइड्रोजन है और OH। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, H3PO2 का। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड जो है, ठीक है, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जा रहा है sp3। क्या हो जा रहा है, sp3। ठीक है, कैसे, कितना सिग्मा बॉन्ड हो जा रहा है, तो ये सिग्मा है, ठीक है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, और इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, तो सिग्मा बराबर कितना आ जा रहा है, सिग्मा बराबर हो जा रहा है 4 5, और लोन पेयर बराबर क्या हो जा रहा है, 0। ठीक है, और ये तो पार्टिसिपेट करवाते ही नहीं है हम लोग किसको, पाई बॉन्ड को, तो ये हो जाएगा आपका 4, और 4 बराबर क्या हो जाएगा, sp3। अंडरस्टूड, ये बात आपका आया। उसके बाद यदि हम बात करेंगे इसका, ठीक, और एक खास बात कि दो हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच है, यानी कि पीएच बॉन्ड। ठीक है, पीएच बॉन्ड कितना है यहाँ पे, 2, और पीओएच बॉन्ड कितना है यहाँ पे, वो है 1। ठीक है, पीओएच बॉन्ड, तो इसके बारे में भी हम जिक्र करने वाले हैं, पीएच बॉन्ड और पीओएच बॉन्ड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाएगा sp3। ठीक है, वही 3 सिग्मा और 4 सिग्मा और लोन पेयर 0, सेम चीज हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका स्ट्रक्चर है, H3PO3 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे खास बात है यही कि पीएच बॉन्ड है आपका 2, सॉरी 1, एक ही आ जा रहा है पीएच बॉन्ड, और पीओएच बॉन्ड है आपका कितना, 2। ध्यान में रखना, पीओएच बॉन्ड है आपका कितना, 2 है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें, उसके बाद यदि हम और इसका देखते हैं जरा सा, तो इसका आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, H4PO6 किसका स्ट्रक्चर है, H4P2O6। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे pH कितना बॉन्ड है, pH बॉन्ड यहाँ 0 हो जा रहा है। ठीक है, pH बॉन्ड यहाँ कितना हो जाएगा, 0, लेकिन पीओएच बॉन्ड जो है वहां कितना बन रहा है, 1 2 3 4, 4 बनेंगे पीओएच बॉन्ड, कितने बनेंगे, 4। बात समझ में आया। यहाँ पे यदि हम बात करें तो पीएच बॉन्ड क्या हो जाएगा, पी, ठीक है, पी पीएच बॉन्ड बराबर हो गया 0, और यदि बात करें पीओएच बॉन्ड तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और 3, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें यदि हम बात करें, इसमें बात करें कौन है अपना अगला स्ट्रक्चर, तो अपना अगला स्ट्रक्चर है HPO3 का होल थ्राइस। ठीक है, ये तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे स्ट्रक्चर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कई बार पूछ चुका है, ध्यान में रखेंगे सबका सब। ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर टी ब्लॉक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ टी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसमें यदि हम देखेंगे तो अपने पास दो तीन चीज आएगा, एक तो अपने पास आएगा पीओएच बॉन्ड। ठीक है, एक तो अपने पास आएगा पीओएच बॉन्ड, तो पीओएच बॉन्ड यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 1, ठीक है, 2, और ये आएगा 3, 3 आएंगे, 3 आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओपीओ बॉन्ड, ठीक है, या पीओपी बॉन्ड, ऐसा ही पूछ सकता है, पीओपी बॉन्ड, तो पीओपी बॉन्ड देखो ये आ रहा है 1, ठीक है, पीओपी बॉन्ड 2, फिर पीओपी बॉन्ड 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि पीओपी बॉन्ड जो कितने आ रहे हैं वो बेटा आपके आएंगे 3। समझ में आया। उसके बाद ये भी है आपका पीओएच हो गया, ओपीओएच, ऐसे करके भी पूछ सकता है, तो कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और फॉस्फोरस, यदि पीपी बॉन्ड पूछे
तो पीपी बॉन्ड कितना हो जाएगा, जीरो। एक भी फॉस्फोरस डायरेक्टली अटैच नहीं है फॉस्फोरस से। ये वाला यदि हम लोग देखें यहाँ पे H4P2O7, क्या ये H4, ठीक है, P2 और O7, H4P2O7 ये है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑक्सीजन जो है इनके बीच में जुड़ा हुआ है, यानी कि POP। यहाँ पे बात करेंगे POP बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, POP बॉन्ड कितने हैं, तो वो हो जाएंगे एक, यही वाला है ये, देखो ये यहाँ से गया हुआ है ये, अंडरस्टूड। उसके बाद POH बॉन्ड यदि हम बात करें तो POH बॉन्ड टोटल कितने होंगे, 1, 2, 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा इनका स्ट्रक्चर था, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन भी ध्यान में रखना है, और ये इसमें POH और PH बॉन्ड कितने हैं उस पर हम लोग खास करके ध्यान दिए हैं, ठीक है। अब कहना मेरा बात ये है कि ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस हैव, जितने भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस रहेंगे उसमें क्या रहेगा, POH बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा अपने पास, POH, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा बॉन्ड यहाँ पे नजर आएगा, पी, ठीक है, पी और ओ एच बॉन्ड रहेगा, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन एटम इज आयोनाइजेबल, ठीक है, इन विच हाइड्रोजन एटम इज आयोनाइजेबल, एच एटम, ठीक है, इज आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल, ठीक है, ये होगा, यानी कि आयोनाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये POH जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, इससे बाहर क्या हो जाएगा, PO- और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, ये H+ देगा ये, यानी कि ये एसिडिक होगा, यानी कि ये क्या होगा, एसिडिक, अंडरस्टूड, क्या होगा ये, एसिडिक, समझ में आया, ये क्या होगा, एसिडिक, जिसको हम लोग डाई बेसिक के भी, सॉरी बेसिसिटी के भी नाम से हम लोग बोलते हैं। यदि एक हाइड्रोजन बाहर रिलीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक, दो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डाई बेसिक, अंडरस्टूड, ये चीज भी समझना है, ठीक है। लेकिन यहीं पे यदि हम बात करें किसके बारे में, यदि हम बात करें तो पी और एच के बारे में, तो इसका हाइड्रोजन एटम क्या रहता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, समझ में आया, ये क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल, यानी कि यहां से जो है वो एच, ठीक है, पी एच जो है ये बाहर नहीं निकलेगा, यदि हम ये कहें तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं, अंडरस्टूड, समझ में आया। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का जो रहेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉइंट वाइज हम केवल लिखते जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरन, ठीक है, इस कितना रहेगा आपका, इस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी +3 and 5 फॉर हायर के लिए, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, +3 हो जाएगा, एंड इज इन हायर एसिड, एंड इन हायर एसिड, ठीक है, हायर एसिड, इट इज +5, क्या आपको नजर आएगा, +5 आपको देखने को नजर आएगा, ठीक है, और कभी कभी एक्सेप्शनल लोअर एसिड में भी +5 नजर आता है। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, और ध्यान में रखना है कि पी एटम बॉन्ड, ठीक है, एज इन पी ओ एच का होल प्राइस, वाइल हायर एसिड वुड बी ऑप्टेंड पी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि ये वाला जो हम लोग देख रहे थे ना कि फॉस्फोरस में क्या हो रहा था, ये फॉस्फोरस में आपका डबल बॉन्ड ये नजर आ रहा था इस तरीके से, ये वाला पार्ट ये नजर आ रहा था, ठीक है, उसी बात को हम कह रहे हैं, ठीक। अब ज्यादा और हम लोग देखेंगे खास करके इसका एक एक करके, जब हम लोग ये देखेंगे किस एसिड, किस ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं खास तौर पर उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बारे में, ठीक है, और ये भी बात बताते हैं कि देयर इज सम लीगल ओवरलैपिंग, ठीक है, ऑफ फील्डेड पी ऑर्बिटल, ठीक, और ऑन ऑक्सीजन विथ डी ऑर्बिटल्स ऑन द फॉस्फोरस लीडिंग टू पी पाई एंड डी पाई बैक बॉन्डिंग, ये भी बैक बॉन्डिंग होने को मिलता है कभी कभी, कभी कभी पी पाई डी पाई, ये बताते हैं सब एक एक करके जो है ना हम लोग सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बारे में, ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बारे में, ठीक। तो ये अपना है सबसे पहला वाला, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, ये या फिर फॉस्फोरिक एसिड भी इसको कहते हैं, फॉस्फोनिक एसिड, और
फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है भाई? सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन कैसे होता है? तो प्रिपरेशन जो है हम लोग हीट करते हैं बाय ट्रा सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बाय हीटिंग, बाय हीटिंग, बाय हीटिंग बारियट्टा सॉल्यूशन। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ये नाम है। जैसे ब्राइन सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं, NaCl का सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। उसी तरह सोडियम हाइड्रो सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बारियट्टा सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, बाय हीटिंग बारियट्टा सॉल्यूशन। ठीक है, विथ वाइट फॉस्फोरस, विथ वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हम लोग लिख देते हैं BaOH अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, बेसिकली ये एक्वस लिख देते हैं ये, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका बारियट्टा सॉल्यूशन। ठीक है, अब रिएक्शन पूरा देखते हैं, तो रिएक्शन पूरा कुछ इस तरीके से रहेगा, 3 BaOH का होल ट्वाइस प्लस आपका आ जाएगा 8 फॉस्फोरस और आ जाएगा 6 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलता है, मिलेगा 3 Ba, ठीक है, H2PO2 का होल ट्वाइस, साथ ही साथ 2PH3 ये मिलेगा, और इसका नाम क्या है, बेरियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या इसको कहेंगे, बेरियम। ठीक है, ये क्या है आपका, बेरियम हाइपोफॉस्फाइट, बेरियम हाइपोफॉस्फाइट, बेरियम हाइपोफॉस्फाइट इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बेरियम हाइपोफॉस्फाइट है, यानी कि ये, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन होता है अपना इसके साथ, यानी फिर से हम इसको लिखते हैं BaH2PO2 का होल ट्वाइस, और किसके साथ हम लोग करते हैं रिएक्शन, एसिड के साथ। ठीक है, कौन सा एसिड ले लिए, H2SO4, और यहां से जो बाहर निकलता है दैट इज 2H3PO2। ठीक है, और साथ ही साथ निकलता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये फिल्टर करके हम लोग निकाल लेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे, और ये बेटा होता है इनसॉल्युबल, वाइट PPT बनता है, इनसॉल्युबल पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम प्लस टू जो है, ठीक है, Ba+2 जो है वो कैसा देता है, वाइट PPT फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है आपका, इनसॉल्युबल हो गया। ठीक, अब यदि हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, प्रिपरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज, अब क्या देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, हैंड राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो इसलिए हम क्या डिक्टेट कर रहे हैं वो भी साथ में। ठीक है, जो लिख रहे हैं वो हम बोल भी रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग भी लेक्चर जाएगा, उस समय आप उसको सुधार सकते हो। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, पहला हम लोग क्या बात करेंगे, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, कलरलेस, ठीक है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट, यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये अप्रॉक्स 26.3 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। एंड क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, H3PO2, ध्यान में रखना सब, H3PO2 सोल्यूबल इन, इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होता है। ठीक है, दूसरा यह बात करें एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर, कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर में क्या हो जाता है बेटा, ये होता है मोनोबेसिक एसिड। अभी इसके स्ट्रक्चर में बताए थे, स्ट्रक्चर में क्या बताए थे, यहाँ हम शॉर्टली फिर से बना देते हैं, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, थोड़ा
कलरफुल बना देते हैं। ठीक है, ये आपको क्या नजर आया था, पी, ये आया था डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आया था आपका ओ एच, ठीक है, यहाँ पे आया था एच और यहाँ पे आया था एच। तो देखो हम क्या बोले थे कि ओ एच वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, आयोनाइजेबल, तो ये वाला आयोनाइजेबल, तो ये वाला एच बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला एच क्या हो जाएगा बेटा, बाहर निकल जाएगा, और ये वाला एच ही